अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ शहर की चर्चित फाउंडेशन गुलामे अहले बैत फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद नुसरत जी हैं, और हम इनसे जो है कुछ सवाल करेंगे। ये गुलामे अहले बैत फाउंडेशन चलाते हैं, और इस फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने हजारों लोगों का काम किया है और बहुत फायदा पहुंचाया है लोगों को, बहुत ज़रूरतमंद लोगों की ये मदद करते हैं। तो ये नुसरत जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और कई सालों से ये फाउंडेशन चला रहे हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये फाउंडेशन इन्होंने कब बनाया और इससे मतलब महीने में कितने लोगों का फायदा करते हैं, कितने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। तो ये फाउंडेशन तकरीबन 3 साल हो गए हमारे, और इस फाउंडेशन से 50 से 60 लोग जो ज़रूरतमंद हैं, हर महीने उन लोगों की मतलब इमदाद की जाती है, और खसूसी तौर पे जो सादात एकरा में बेवा हैं जिनको ज़कात की तरह आप नहीं दे सकते, तो हमारा फाउंडेशन उन लोगों को मतलब हदिया देता है। उलमा इकराम की हम लोग खिदमत करते हैं, सुन्नी उलमा इकराम की, और ख़ास तौर से हमारा मतलब टारगेट जो होता है और जो हमारा मकसद है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के लिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि काम करें। तो हम चाहते हैं कि आप जैसे जो मतलब जो सोशल वर्कर हैं, पत्रकार हैं और सियासत में हिस्सा रखने वाले लोग अगर हमारी हेल्प करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोगों की मदद कर सकेंगे। और आपसे उम्मीद भी है ये, क्योंकि आप जानता हूँ मैं भी, आप एक नरम दिल रखते हैं और कौम के लिए आप मोहब्बत जज्बा रखने वाले। तो आपकी ऑफिस कहाँ पर है, और ये जो है ये जो कार्य चल रहा है आपका, ये ऑफिस सिर्फ मुमरा ही से चलता है या मुंबई वगैरह में भी ऑफिस है आपकी? नहीं, असल में हमारे जो मेम्बर्स हैं जो बॉम्बे में भी हैं और नुमरा में भी है, लेकिन मोहम्मद ये अजीब बात है, कमाल की चीज़ है कि हम लोग ने ऑफिस नहीं डाला बल्कि एक दुकान से हम लोग ये चीज़ को ऑपरेट करते हैं जी। क्योंकि ऑफिस डालने में ये होता है कि अगर हम किराए से ऑफिस लें तो 10,000 रुपया ऑफिस है, फिर उसके अखराज आते, तो इतने में तो हम कई लोगों के मतलब पेट भर सकते हैं। तो आवाम जो हमको पैसा दे दिए तो हम क्यों हम लोग गलत रास्ते की तरफ, जो काम बिना ऑफिस के हो सकता है तो वहीं से किया जाए तो बेहतर है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा पहुँचा सके। जब आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते हैं तो उस वक्त क्या फील करते हैं, और क्या मैसेज देंगे जो और फाउंडेशन समाज में है, जो चैरिटी से फाउंडेशन संस्था कमेटी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराए हैं और सर्टिफिकेट ला के जो है कपाट में रखे हुए हैं, लोगों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे फाउंडेशन के जिम्मेदारों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, असल में ये है कि जितने भी फाउंडेशन है, ख़ास तौर से मुमरा की मुतालिक बता रहा हूँ, कि हर लोगों ने यही कर दिया है कि मतलब क्या आप किसी भी फाउंडेशन के पास जाओगे तो आप यही बताएंगे आपको कि हम लोगों को अनाज दे रहे हैं, लोगों को अनाज दे रहे, मतलब 10ों के पास जाओगे 10 के पास एक ही बात होगी, हम लोगों को अनाज दिया ना, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कि तमाम भूखे क्या मुमरा में ही आ गए, क्योंकि मुमरा में अनाज देने के अलावा भी बहुत से काम है। आप अनाज दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाना, तो आप ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे दीन की पहला लफ्ज़ जो दीन की समझ हमसे आई है, इकरा पढ़ाई, तो मुसलमानों की एजुकेशन पर भी हमको काम करना चाहिए। तो एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे हैं आप, कितने बच्चों का एडमिशन कराए, कितने बच्चों का आपने? तकरीबन 3 साल में हम लोग ने तकरीबन 300-350 बच्चों का हम लोग ने एजुकेशन के लिए किया कोशिश की, और वही तमाम आवाम की जो इमदाद थी, आप लोग जैसे अच्छे लोग हमारे को जुड़ गए जो सपोर्ट किए, उसी से हम लोगों का हमने काम किया। इस फाउंडेशन में और कितने लोग कितने जिम्मेदार हैं, किस तरह से आपको डोनेशन आता है, कैसे आप मदद करने में सफल हो पाते हैं, कुछ जानकारी दें हमें। इस फाउंडेशन में तकरीबन 23 जन हैं, और ये है कि सबसे पहले तो हम खुद जिम्मेदारी उठाते हैं, जितने जो हमारे मेंबर्स हैं कोई 300 रुपया 500 रुपया 1,000 रुपया जिसकी जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले वो पैसे निकालता है। उसके अलावा जब काम होता है, काम दिखता है, तो आवाम हमसे जुड़ती है और आवाम हमको पैसा देती है, क्योंकि जो भी है काम को सलाम है।
आप काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी तारीफ की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। तो आज तक 3 साल से हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी की वजह से हमारे पास फंड आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना फंड हमारे पास आए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इमदाद कर सकें। और आगे हमारा मकसद है जैसे कि कंप्यूटर क्लास के लिए और दीगर जो और जो एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है वो करने के लिए, तो उसके लिए हमको फ़ंड की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आवाम हमको फ़ंड दे अता करे तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन काम करके आपको दिखाएंगे। और 3 साल में हमने जो काम किया है आप ऑन फील्ड आप जाके देखिए, बड़ी बड़ी तंजीमों ने वो काम नहीं किया है, अल्लाह ताला के हमसे वो काम किया है। दीनी कार्यक्रम भी कराते हैं बड़े पैमाने पर, अभी हाल ही में आपका कार्यक्रम हुआ था फलक हॉल में। जी जी जी। तो मतलब साल भर में दीनी कार्यक्रम कितने कराते हैं? नहीं, असल में हमारे वो है गिलानी अपना एजुकेशन, वो हमारे दोस्त है और उनसे हम जुड़े हुए हैं, गुलाम अली वेद फाउंडेशन और वो गिलानी एजुकेशन, तो हम दोनों मिलके और वही जो फ्रंट पे रह के वही काम करते हैं हमारे गिलानी एजुकेशन वाले। और हमारे बच्चे हैं, मेरा बच्चा है सैयद मोहम्मद जो नाथखा है, तो वो परफॉर्मेंस करता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। बस इसी तरीके से काम होते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है, आपने अभी कहा कि हम लोगों की मदद करते हैं, सुन्नी लोग जो है, एक जुमला आपने इस्तेमाल किया, तो फाउंडेशन जो चैरिटी जो धर्मादाय आयुक्तालय से पास होता है तो वो सर्व समाज के लिए होता है, तो आपकी सोच में सिर्फ सुन्नी लोगों की ही मदद करनी है या सर्व समुदाय के लोग आपके पास जाएं और उनकी मदद करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ सुन्नी की बात नहीं है, वो एक्चुअली हमारे पास जो आ रहे हैं ना, हाँ, तो मैंने उसका जिक्र किया। इसके अलावा भी अगर कोई भी आता है, ठीक है, तो क्योंकि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुई बात के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं, और जो रसूलुल्लाह की बात पे अमल नहीं करे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स हरगिज़ मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए, तो जाहिर सी बात है पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है और तमाम समाज के लोगों के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो अगर वो शख्स भूखा सो जाता है तो हम मुसलमान नहीं है, अगर गैर मुस्लिम है तो हमको उसकी भी मदद करना है। तो हमको इस्लाम तो ये सिखा रहा है, तो हम तंजीम को अगर लेके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुसलमान भी हैं और हिंदुस्तानी भी हैं, तो हमारे अंदर दर्द है, तो कोई भी हो चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो या किसी भी समाज से ताल्लुक रखता है, हम उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। नुसरत जी, रमज़ान का बहुत ही बाबरकत महीना चल रहा है और वो अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है, जैसा कि 2 दिन बचा है। इस रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं, ताउन करते हैं, मदद करते हैं लोगों की, तो इस समाज में मतलब बहुत कैटेगरी है, कुछ लोग हैं जो अपनी परेशानी लोगों से बता देते हैं कि भैया मैं परेशान हूँ मेरी मदद करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भी बताते हैं और परेशान रहते हैं, परेशानी में एकदम मुब्तला रहते हैं, मगर अल्लाह ताला उनकी ज़रूरत पूरी करता है, हर इंसान की ज़रूरत अल्लाह तबारक ताला ही पूरी करता है, जो खुददार लोग हैं उनकी भी पूरी करता है, जो खुददार परेशान हैं, जो बेचारे किसी से सवाल नहीं करते उनकी भी अल्लाह तबारक ताला कहीं ना कहीं असबाब पैदा करता है, जरिया पैदा करता है, तुम्हारे जैसे लोग हैं जो आ जाते हैं आगे बढ़ के हिस्सा ले लेते हैं, तो ऐसे खुददार लोगों की किस तरह से मदद की जाए जिन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो परेशान हैं, वो सवाल भी नहीं करते, किसी से बताते भी नहीं है। अभी जैसे रमजान का महीना है, 2 दिन बाद ईद है, आप यकीन जानिए मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये महंगाई के इस दौर में किसी के 10,000 पगार, किसी के 20,000, किसी जो मिडिल वर्ग है, जो और बेचारे दबे कुचले लोग हैं, जो कोई किसी का 8,000 पगार है, 10,000 पगार है, वो कैसे अपनी जरूरियात पूरे करते हैं, कैसे बच्चों को कपड़े दिला पाते हैं, कैसे अपने घर की जरूरत पूरी करते हैं, और जो बेचारे खुददार शानदार हैं वो पता न चल जाए कि मैं परेशान हूँ इसलिए गुमसुम में रहते हैं, ऐसे लोगों की किस तरह से मदद की जाए, कुछ आइडिया बताएं। तो असल में क्या है कि ये जो हमारा तरीका है मदद करने का, ये अलाइदा तरीके से है, जैसे कि लोग मदद करते हैं तो बाकायदा मतलब स्टेज वगैरह सजाते हैं और बताते हैं कि हम इतने अनाज दे रहे हैं, इतने की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास है जो हमारे लोग हैं वो खामोशी से तहकीक करते कि कौन लोग ज़रूरतमंद हैं, तो जब उनके घर पे अनाज जाता है तो बाजू वालों को भी पता नहीं चलता कि हमने उनकी अनाज से मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मतलब रमज़ान के महीने में 2 मरतबा हम लोगों ने रमज़ान राशन किट दी, और 100 मतलब जो हमारी ज़रूरतमंद बहनें थी उनको हमने कपड़ा दिया, और अब जो आने वाला चांद रात है
तो रमजान ईद किट देंगे हम, लेकिन किसी भी लोगों को पता नहीं होगा कि हम फला की हम मदद करें, खामोशी से हम जाके उसकी करते हैं। तो हमारे लोगों का यही हमारा सोचना है और हमारे लोगों का हमारे से यही कहना है कि आपके पास ज़रूरतमंद नहीं आए, बल्कि आप तलाश करके ज़रूरतमंद के पास जाओ। क्या बात है। तो इसी तरीके से कोशिश करते हैं हम, किसी भी ज़रूरतमंद को शर्मिंदा नहीं करते, जिस तरीके से लोग करते हैं कि स्टेज सजा के बुलाते हैं, फोटो भी निकालते हैं, फोटो वगैरह निकालते हैं, शर्म नहीं आती। 1800 रुपए का राशन देते हैं और उसके साथ फोटो भी निकालते हैं जी। हाँ, ये मदद कर रहे हैं या जलील कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, समझ से परे वाली बात है। तो मदद करने का किस तरह का अंदाज होना चाहिए? जैसे एक 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 शायर ने एक शेर बोला कि उसके दान करने का तरीका अजीब है, वो शर्त लगाता है और हार जाता है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग मदद करते हैं मगर एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। और बहुत सारे लोग ऐसी मदद करते हैं कि उन्हें सिर्फ दिखावे की मदद, समाज में एक नाम हो जाए कि 100 जन को राशन दिया, 500 जन को राशन दिया, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? नहीं, असल में तो वो अपनी चीज़ है कि आज आप में वही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू हो रही है कि जिस तरीके से हम इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, तो कई लोगों के जहन में ये बात नहीं आ जाए कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम हमारी शख्सियत को जाहिर करना चाह रहे हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये असल में ये इंटरव्यू देने का मकसद हमारा ये है कि लोगों को पता चले कि हम एक एनजीओ को लेके चल रहे हैं ताकि लोग हमसे जुड़ सके। हमारी नीयत ये नहीं है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरी बात, आपने क्या कहा कि किस तरह क्या मैसेज देना चाहिए आखिर में? जी जी, जो फोटो वोटो निकालते हैं, दिखावाबाजी करते हैं, उन लोगों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो तो आपका धर्म ये नहीं सिखाता है, आप हर एक का धर्म यही सिखाता है कि जो काम आप करो वो अपने परवरदिगार के लिए, अपने भगवान के लिए या अपने ईश्वर के लिए करो, दुनिया के लिए, दुनिया के दिखावे के लिए नहीं करो। क्योंकि आपको जो भी पुण्य मिलना है वो आपको आपका परवरदिगार या ईश्वर ही देगा, दुनिया के लोग नहीं देंगे। अगर आप दुनिया को दिखा के काम करोगे तो आपको सिर्फ दुनिया में वाहवाही मिलेगी, लेकिन जो आपको बेनिफिट, सही बेनिफिट मिलने वाला है, जो ईश्वर और खुदा देने वाला है, वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आप जो भी काम करो वो ऊपर वाले के लिए ही करो। दोस्तों, तो ये थे सैयद नुसरत जी, जो हमारे सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। और मैं इनसे मुतासिर इसलिए हुआ कि अभी कुछ गरीब जो है, हम लोग भी ऑफिस लेके बैठे हैं, बहुत सारे ज़रूरतमंद आते हैं तो किसी का मदद कर पाते हैं, किसी का किसी से करवाते हैं, दे दे या दिला दे या देने वाले का पता बता दे। तो तीनों मामले में सवाब उतना ही है। अगर हम किसी की मदद कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो किसी से करवाते हैं, नहीं किसी का पता बता देते हैं, तो सवाब तीनों में उतना ही है। तो हमने जो है 2-3 गरीबों को इनके पास भेजा, उनका ये इन्होंने जो है बड़ी खामोशी से काम किया। अभी हाल ही में कैंसर पेशेंट के लिए हमने इनसे चर्चा किया, बोला उसकी भी इन्होंने मदद किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इसीलिए मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये दिखावा नहीं करना चाहिए, ये मीडियाबाजी नहीं करना चाहिए, मगर ये भी ज़रूरी है आज के दौर में कि देखा देखी भी लोग काम करते हैं। आज नुसरत जी कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे हैं जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं लोगों का। तो देखी देखा लोगों के मन में ये जागता है जज्बा कि नहीं यार, वो कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया।